झारखंड में भी बीजेपी आजसू गठबंधन में दरार पड़ गई है। तो आजसू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया है और इसी के साथ कुल 12 नामों का ऐलान किया गया है विधानसभा चुनावों के लिए। तो आपको बता दें कि 30 नवंबर को पहला चरण है, 5 चरणों और बीजेपी एक साथ चुनावी मैदान में उतरे थे उसके बाद कयास इस बार भी थे कि शायद इस बार भी गठबंधन हो दोनों ही पार्टियों में, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह की तकरार दोनों में चल रही है उसके बाद प्रत्याशी जो फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के खिलाफ प्रत्याशी उतारा गया है आजसू के जरिए, तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि गठबंधन में दरार बीजेपी और आजसू के बीच चल रही है। तो 12 नामों का ऐलान, 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर आजसू की तरफ से किया गया है और ऐसे में साफ कि आजसू और बीजेपी एक साथ झारखंड की 51 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगी।